तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में हूँ। मैंने दो फाइलें बना रखी हैं, HTML की और एक CSS की। और मैंने HTML में इतना सा कोड लिख रखा है, बिल्कुल सिंपल है। बस HTML का पूरा कंटेंट है, और बस मैंने एक हेडिंग ले रखा है H1, और कुछ नहीं ले रखा, बाकी सेम है। और मैंने अपनी HTML वो CSS की फाइल लिंक करा रखी है। तो आते मैं आपको दिखा देता हूँ ये को खोल के, कहाँ पर है ये फाइल मेरी। ये है, लाइव सर्वर से खोल रखा है मैंने। तो हम चलते हैं अपने CSS में। यहाँ पे मैं करना है दिखाता हूँ। मैं लिखूँगा बॉडी, लेकिन बैकग्राउंड वो टेक्स्ट कलर एनिमेशन कराना है तो हाइट दे देता हूँ मैं इसकी। हाइट 100 VH ये ना भी दो तो भी चलेगा मुझे। बॉडी में आपको बैकग्राउंड कलर भी एनिमेशन करके दिखाऊंगा, तो बॉडी दे देता हूँ, बाद में काम आएगा। ये दे देता हूँ मैं 100%। बस अब जो मैंने लिया था ये H1 में है, तो H1 लिखूंगा मैं। फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ मैं, 120 pixel। और क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करता हूँ। देखिए मैं फुल स्क्रीन ले लेता हूँ, और ये इतना बड़ा हो गया है। फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, सेव करके दिखाता हूँ ऐसा। तो हम क्या करेंगे, लीनियर बैकग्राउंड, किसी भी टेक्स्ट में लीनियर बैकग्राउंड बनाने के लिए पहले हम देंगे बैकग्राउंड इमेज, जो कि लीनियर होगा हमारा। लीनियर ग्रेडियंट ऐसे यूज करते हैं, आपको बैकग्राउंड इमेज लिखना पड़ेगा, लीनियर ग्रेडियंट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी दो कलर दे दीजिए, मैं लेता हूँ पिंक और लाइट ग्रीन। नेट नहीं चल रहा, वरना मैं आपको अच्छे अच्छे कलर दिखाता, तो जितना मुझे पता है उतने लिख लेता हूँ। ये क्या होगा, आप देख सकते हैं पीछे ये कलर आ गया है। बैकग्राउंड इमेज, इसका बैकग्राउंड इमेज ऐसे ही काम करता है। तो इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी है वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, उसका हम लिख देंगे टेक्स्ट। इससे भी आप देख सकते हैं वो गायब हो गया, वो टेक्स्ट के पीछे आ गया, जितना भी कुछ था वो टेक्स्ट के पीछे आ गया। बस वो कलर नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका हमने कलर ब्लैक है और तो पहले से, तो वो कलर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी है वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, इसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसको हम जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्लैक में था, उसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, तो जो पीछे वाला कलर था ये वाले, तो ये हमें दिख जाएगा। सेव करता हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा, कतई भद्दा सा लग रहा है। तो मैं लीनियर ग्रेडियंट ये कर सकते हैं कि हमें किस तरफ से दिखाना है, तो मैं टू RGST राइट दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो कलर दिखेगा हमें वो लेफ्ट से राइट की तरफ दिखेगा। सॉरी पता नहीं कैसे बात कर, लेफ्ट से राइट की तरफ आप देख सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिग्री में दे सकते हैं, 45 डिग्री, टॉप टू बॉटम, कुछ भी आप कितने भी कलर ऐड कर सकते हैं। एक और कलर ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको, ब्लैक। तो अच्छा नहीं दिखेगा, पर आप अच्छे अच्छे कलर डाल सकते हैं। नेट नहीं चल रहा, वरना आपको दिखाता है, ये देखिए ब्लैक आ गया यहाँ पे ये है। अब इसको एनिमेट कराने के लिए ये करना पड़ेगा, मैं इसकी जो बैकग्राउंड, वैसे तो ट्रांजिशन करके होता नहीं है, तो बैकग्राउंड पोजिशन लेंगे, इसको हम कर देंगे 400 pixel। आप इतना 400% आप इतना कीजिए, एक मिनट हुआ नहीं है। हाँ, बैकग्राउंड पोजीशन नहीं, सॉरी बैकग्राउंड साइज 400 pixel। तो बैकग्राउंड का साइज होगा वो 400% जाएगा, मतलब ये देखिए सिर्फ पिंक कलर ही दिख रहा है यहाँ पे,
कितना ही परसेंट कर सकते हैं, इतना कीजिए कि एक ही कलर दिखे बाकी कलर ना दिखे, क्योंकि बाकी हम एनिमेट कराएंगे तो खुद ब खुद दिखेगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पोजीशन इसका आप देख सकते हैं, पिंक पहले दिख रहा है तो मतलब ये लेफ्ट से काम कर रहा है। बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पे, सेव करेंगे तो कुछ नहीं होगा कि डिफॉल्ट लेफ्ट में रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन, एनिमेशन एनिमेशन का नेम लिखता हूँ मैं चेंज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कलर, थोड़ा सेंस होना चाहिए कलर या चेंज, ये कलर चेंज। और कितने सेकंड के लिए एनिमेट होगा वो ड्यूरेशन उसका 5 सेकंड करता हूँ, जैसे कम है। और कब तक होगा इन्फिनिट, और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी कुछ नहीं होगा आप देख सकते हैं, एनिमेशन ऐसे नहीं होता। अब आपको लिखना पड़ेगा की फ्रेम्स, और जो हमने एनिमेशन का नाम दिया था वो यहाँ पे लिखेंगे सी ओ एल ओ आर कलर सी एच ए एन जी ओ, ये नाम सही होना चाहिए वरना एनिमेट नहीं होगा। और हम लिखेंगे यहाँ पे 0%, क्योंकि अभी भी वो 0% पे ही है तो 0% सेम ही रहेगा, तो हम लिखेंगे 0%। इसका सिंटैक्स है 0% पे बैकग्राउंड पोजीशन पोजीशन लेफ्ट, क्योंकि 0% पे अभी लेफ्ट पे है तो हमें भी 0% पे लेफ्ट में ही रखना होगा, तो लेफ्ट। और जब ये 100% तक आएगा, 100% इसके बैकग्राउंड पोजीशन जो हम रखेंगे वो रहेंगे राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। वो कैसे जाएगा आपको दिखाता हूँ, सेव किया मैंने, सब कुछ हो गया, बस इतना ही करना था। अब देखिए ये कलर चेंज हो रहा है, तब अपने आप ही हो रहा है ये, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अचानक से वो आ जा रहा है, तो इसके लिए स्मूथनेस नहीं है, तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी दे रखी है इन्होंने ALTR, जहाँ से वो ख़त्म होगा फिर वहीं से शुरू होगा, पिंक से लेके ब्लैक पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो फिर ब्लैक से लेके पिंक पे शुरू होगा, तो देखने में अच्छा लगेगा। अब देख सकते हैं आप कि अपने आप ही चल रही है, कुछ नहीं किया मैंने, और इतना जल्दी चेंज हो रहा है इसका मतलब कारण ये है कि हमने टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, मतलब कम दे रखी है। आप जितना दे सकते हैं, मैं इसमें उतना 10 दे दिया मैंने, देख सकते हैं। अब किसी का भी टेक्स्ट कलर ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट वेट लाइटर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में शायद, आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब टाइमिंग और बढ़ा दीजिए और अच्छा लगेगा, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा। अब करते हैं बैकग्राउंड की बात, तो मैं H1 को हटा ही दे, ये मुझे चाहिए होगा, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और बाकी मुझे H1 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं जितना भी था मैं बैकग्राउंड इसमें पेस्ट कर देता हूँ। हमने यहाँ भी सेम किया, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, हमने यहाँ भी सेम किया, बैकग्राउंड परसेंट हमने 400% दे दिया। कारण ये है कि हमने बैकग्राउंड का भी कलर सेट नहीं किया, तो मैं उसे भी कॉपी करना चाहिए था, तो मैं भूल गया, कोई बात नहीं। बीजी इमेज लीनियर ग्रेडियंट, तो मैं आपको दिखाता हूँ 45 डिग्री ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पिंक लाइट ग्रीन, दो ही कलर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ क्योंकि एनिमेशन मैंने पहले से दे रखा है, एनिमेशन का नेम ये है, ड्यूरेशन ये है, कब तक चलेगा इन्फिनिट तक, हमेशा चलेगा अल्टरनेट, मतलब जहाँ पे शुरू होगा वहीं से, जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से शुरू होगा। मैं सेव करता हूँ,
दिखाता हूँ, ये देखिए प्रिंट कैसा लगता है हमारा। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, देख सकते हैं ये सही काम कर रहा है एकदम। ये ग्रीन पे है अभी और धीरे धीरे चेंज हो रहा है एकदम, देख सकते हैं क्योंकि मैंने ड्यूरेशन 10 सेकंड दे रखा है। तो ये ले रहा है, पिंक पे आ गया, अब धीरे धीरे फिर ग्रीन पे जा रहा है। आप कितने भी कलर दे सकते हैं इसमें, आपके ऊपर है, आपको ड्यूरेशन कैलकुलेशन सही से करना पड़ेगा बस। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए, और आपको सीखा है तो फिर लाइक कर देना और कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको, और कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। थैंक यू।